आज हम संस्कृत मंथन पुस्तक 3 का 5वां पाठ पढ़ेंगे, ब्राह्मणाय दानम, ब्राह्मण के लिए दान। इस अध्याय में हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए के अर्थ में पढ़ेंगे। ये जो वाक्य दिए गए हैं ये सभी चतुर्थी विभक्ति और के लिए के अर्थ में हैं। नृपः ब्राह्मणाय दानम यच्छति, राजा ब्राह्मण के लिए दान देता है। बालकः भोजनाय गृहम आगच्छति, बालक भोजन के लिए घर आता है। भृत्यः स्वानाय भोजनम यच्छति, नौकर कुत्ते के लिए भोजन देता है। हरिणौ जलपानाय अत्र आगच्छत, हिरण जलपान के लिए यहाँ आते हैं। बालिके पठनाय विद्यालयम गच्छत, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। भृत्या जनाभ्याम साकम सूपम च यक्षति, नौकर लोगों के लिए सब्जी और दाल लाता है। जना पादाभ्याम महानसम गच्छन्ति, लोग पैरों से रसोई घर में जाते हैं। तत्र भृत्या साकम करपट्टिकाम सरकंकराम च यच्छन्ति, वहाँ नौकर सब्जी रोटी और शक्कर लाता है। सेवका खाद्य वस्तूनि यच्छन्ति, सेवक खाने की वस्तुएं लाता है। सर्वे जनाः विनोदाय आपणम गच्छन्ति, सभी लोग प्रसन्नता के लिए दुकानों पर जाते हैं। ते उपयोगिनः वस्तूनि क्रियाकरणाय इतस्ततः भ्रमन्ति, वे उपयोगी वस्तुओं के को खरीदने के लिए इधर उधर घूमते हैं। रमेशः मोहनाः उत्तर पुस्तिकां लेखनीं च क्रय करोति, रमेश मोहन के लिए उत्तर पुस्तिका और लेखनी खरीदता है। जनाः पर्यटनाय बद्रीनाथं गच्छन्ति, लोग पर्यटन के लिए बद्रीनाथ जाते हैं। जनाः तत्र तप्त कुंडे स्नानाय गच्छन्ति, लोग वहाँ पर गर्म कुंड में स्नान के लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब किसी को नमस्कार करते हैं तो जिसे नमस्कार किया जाता है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति आती है। देखिए किस प्रकार से है, जैसे बद्रीनाथाय नमः, बद्रीनाथ को नमस्कार। जनकाय नमः, पिताजी को नमस्कार। अम्बायै नमः, माता जी को नमस्कार। ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार। इसी प्रकार हम लोग बोलते ओम नमः शिवाय, यानी शंकर जी को नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु जी को नमस्कार। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए के अर्थों में प्रयोग किया गया है। आइए हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप यहाँ से इनको आसानी से नोट कर सकते हैं।